गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय वन मोर न्यू व्लॉग ऑफ सरोज नगर। सरोज नगर हर किसी को पसंद है, हर कोई जानना चाहता है किस तरीके की चीज़ें मार्केट में आई हुई है, भीड़ कैसी है, किस टाइम पे जाएं। आपके सारे सवालों के जवाब लेके मैं आई हूँ एक बार फिर से कि आपको कब जाना चाहिए, किस दिन जाना चाहिए, किस टाइम पे जाना चाहिए। सुबह अगर आप 10:30 बजे तक पहुँच जाओगे तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, पूरा वीक आप कभी भी जाओ मार्केट हमेशा ओपन रहती है, बट वीकडेज में आपको थोड़ी सी कम भीड़ नज़र आएगी। अगर आप सैटरडे संडे जा रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वहाँ पे 10-10:30 बजे तक पहुँच जाना है और 12:30 बजे शॉपिंग करके निकल जाना है। अगर आपको लूप्स पहनना पसंद है तो आपको ना जगह जगह पे इस तरीके की सेल नजर आ जाएगी। स्पेशली सब्जी मंडी वाली लाइन में तो बहुत सारे लोग इस तरीके के रिंग लेके खड़े होते हैं, प्राइस सिर्फ इनका 30 रुपीज होता है, ऑप्शंस आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। अगर आपको अपनी शॉप के लिए शॉपिंग करनी है, बहुत सारे लोग मेरे से कमेंट करके इस टाइम पे पूछ रहे हैं कि मैम हमें कपड़े खरीदने बट रीसेलिंग के लिए खरीदने, हम क्या करें, कैसे लोगों से कॉन्टेक्ट करें। तो अगर आप बहुत दूर से हैं तो मैं अपनी नेक्स्ट आने वाली 2-4 वीडियो में कुछ शॉपकीपर्स के नंबर डाल दूंगी, आप जिनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकती हूँ। अब बात करते हैं विंटर कलेक्शन की, किस तरीके का कलेक्शन है, स्पेशली शॉप नंबर 198 पे। अभी आप जो शॉप देख रहे हो ना, ये शॉप नंबर 198 है, 250-300 रुपीज की रेंज में काफी अच्छे स्वेटर आपको सिर्फ 198 पे ही नहीं, बहुत सारी शॉप ऐसी है जहाँ पे आपको ट्रेंडी स्वेटर देखने को मिल जाएंगे। बट 198 में ऐसा क्या है कि लोग इतना ज्यादा पूछते हैं, क्यों, यहाँ का कोई स्टफ ज्यादा अच्छा है या यहाँ पे माल कहीं और से आता है, बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के मन में भी होते हैं, हमारे मन में भी होते हैं। इन सब का एक ही आंसर है कि ये वाली शॉप ना एक तो असॉर्टेड है, आपको नंबर ऑफ वैरायटी इस तरीके की देखने को मिल जाएगी। बहुत सारे लोग शॉप के अंदर बैठे होते हैं जिनका अपना अपना माल होता है, सबके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, इसीलिए शॉप नंबर 198 लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आती है। यहाँ का मटेरियल भी काफी ज्यादा अच्छा और ट्रेंडी होता है, इस तरीके के ब्रांड आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं प्राइस की, आप यहां से कोई भी स्वेटर लेना 150-200 रुपीज की रेंज में होता है, आपको उससे ज्यादा पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनकी जो वर्थ वैल्यू है ना वो मैक्स टू मैक्स 200, और हद मार के बहुत ही ज्यादा बढ़िया ले रहे हो ना स्वेटर्स की बात करी वो आपको 250 तक मिल जाएगा। इस तरीके के नॉर्मली स्वेटर आपको 150 रुपीज में भी मिल जाएंगे, 100 रुपीज में भी मिल जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि आप कितने स्वेटर्स यहां से ले रहे हो या आप सच में ले भी रहे हो या टाइम पास कर रहे हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, प्राइस पूछते रहते पूरी शॉप में से निकल जाते बट कुछ नहीं लेते, फिर क्या होता है ना, इनको भी पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा सच में लेगा या टाइम पास कर रहा है। अगर आपको अपने लिए बैग्स लेने हैं या आपकी कोई कजन है जो मैरिड है, आपको उसको गिफ्ट करना है, या मम्मी चाची ताई किसी के लिए भी शॉपिंग करनी है ना, तो हर एज ग्रुप के लिए यहाँ पे स्टफ मिलता है। बैग्स में आपको वैरायटी देखने को मिल जाएगी, सामने जितने भी डिस्प्ले पे बैग है सब 500 रुपीज के हैं। अब बात करते हैं कि ये बैग आपको 500 रुपीज में कहाँ पे मिलेंगे। गेट नंबर 3 से जब आप एंट्री करके सीधा आओगे ना सब्जी मंडी वाली लाइन में, उसमें राइट हैंड साइड में जो शॉप है ना, उन सारी शॉप्स पे ना आपको बोर्ड और शॉप नंबर नजर आएंगे, तो उसी लेन में शॉप नंबर 106 है जिसके फर्स्ट फ्लोर पे स्टेयर्स आपको चढ़नी है। स्टेयर्स चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे आपको कलेक्शन नजर आएगा फुटवेयर्स का, फोन कवर्स का और बैग्स का। ये सारे बैग्स आपको 500 रुपीज़ के रेंज में मिलेंगे। इनके पास स्लिंग बैग का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, आप वो भी ट्राई कर सकते हो, 250 और 300 वाले भी बैग। अब बात करते हैं एथनिक वेयर की, अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर किसी को जीन्स वेस्टर्न ड्रेसेस ही पसंद हो, बहुत सारे लोग हैं जिनको एथनिक वेयर पसंद है। तो 1200-1250 रुपये की रेंज में पहले 4 जो ड्रेसेस आपको नज़र आ रही है वो आपको मिल जाएंगी। 5th भी 1250 की रेंज के, बट जो मैजेंटा पिंक है ना ये वाली आपको 2100 रुपये की रेंज में मिलेगी। उससे आगे की जितनी भी ड्रेसेस है सबका प्राइस अलग है, कोई 1650 की है, कोई 1750 की है, इधर भी कोई 1800 की है, कोई 2000 की। स्पेशली जो ये मेजेंटा पिंक ड्रेस थी ना, ये 2000 रुपये की रेंज में थी। एक्चुअली जो मैंने स्टार्टिंग में आपको मेजेंटा पिंक दिखाई जिसका 2100 रुपये प्राइस मैंने बताया था ना, उसमें एक वाइट कलर भी था। लास्ट टाइम भी मैंने ये वाली शॉप कवर करी थी, शॉप नंबर 44 है, बहुत ही अच्छी शॉप है। इनका पार्टी वेयर जो कलेक्शन रहता है ना वो 2-3 दिन में चेंज होता रहता है और बहुत ही सुंदर है। ये वाली पिंक मैजेंटा ड्रेस बोल रही हूँ, बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। मेरी एक व्यूअर का आज ही कमेंट आया था कि मैम हमें ना इस तरीके के ब्लेजर्स दिखाना, कोरियन काइंड ऑफ, बढ़िया बढ़िया, तो ये वाली शॉप मैंने स्पेशली उनके लिए ही कवर करी थी। मैंने उनका कमेंट देख लिया था, उस टाइम पे मैं मार्केट में ही थी और मेरी नजर ना
इस वाली शॉप पे पड़ गई। मैंने सोचा फिर इनको जरूर दिखानी चाहिए। ये वाली शॉप पड़ती है एक्सपोर्ट लेन में, काफ़ी अच्छी शॉप थी ये भी, शॉप नंबर 139, 140, 141। ये तीन चार शॉप ऐसी है जिन पे सिमिलर कलेक्शन आया हुआ है, चाहे वो जैकेट्स का हो या फिर आपकी ट्राउजर्स वगैरह हो, विंटर की जैकेट हो। विंटर की जैकेट में भी आपको ना मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, और देखिए कितनी बढ़िया है। ये सब जैकेट ना आपको 400-500 रुपए की रेंज में इधर इजिली मिल जाएंगी। कहने को तो ये 550-600 रुपए बोलेंगे, बट आपको 300-400 रुपए तक यहाँ पे मिल जाएगी अगर आप अच्छे से बार्गेनिंग करोगे। तो शॉप नंबर 141 जरूर ट्राई करना। अगर आपको जैकेट पसंद आई है तो 200-250 रुपए की रेंज में आपको यहाँ पे जो विंटर के स्वेटर्स होते हैं ना वो आपको मिल जाएंगे, विंटर के टॉप मिल जाएंगे। समर का कलेक्शन अगर आपको चाहिए है ना तो आपको ट्राई करनी चाहिए शॉप नंबर 198। सब्जी मंडी वाली लाइन में भी बहुत सारी शॉप है। वैसे ना क्या है ना, हर एक शॉप पे थोड़ा थोड़ा समर कलेक्शन रहेगा। मेरी एक व्यूवर थी, वो मेरे से पूछ रही थी, वो पुणे से आएंगी और वो शायद दिसंबर में आएंगी, दिसंबर फर्स्ट वीक में। तो वो मेरे से पूछ रही है कि समर कलेक्शन दिसंबर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप शॉप नंबर 198 ट्राई कर सकते हो एक्सपोर्ट लेन में। बहुत सारी शॉप्स पे ऐसा रहता है थोड़ा थोड़ा स्टफ लगा होता है, आप उनमें ट्राई कर सकते हो। बाकी फुटवेयर्स का जो कलेक्शन ये वाला आप देख रहे हो ये 200 रुपए का है, शॉप नंबर 106 है। सिमिलर लग रही होंगे ना चीजें आपको, क्योंकि आपने मार्केट में और जगह भी देखी होंगी। ये वाली शॉप मैं क्यों दिखाती हूँ, क्योंकि इनका जो मेन कलेक्शन है वो है इनके बैग्स का कलेक्शन, वो हर दूसरे तीसरे दिन चेंज होता रहता है। तो मुझे 500 रुपीस की रेंज में यहाँ पे काफी बढ़िया बैग्स मिलते हैं, नजर आते हैं, डिजाइन बहुत बढ़िया होते हैं और लोगों को भी पसंद आते हैं, तो इसलिए ये वाली शॉप कवर करती हूँ, यही एक मेन रीजन है। बाकी 200 रुपए में 250 रुपए में यहाँ पे आपको बढ़िया फुटवेयर मिल जाएंगे। नॉर्मली जो आपको बाहर रोड पे 250 रुपए में मिलेंगे ना, वो यहाँ पे आपको 200 रुपए में मिल जाएंगे। तो 50 रुपीस का डिफरेंस है जो इन्होंने रखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे भीड़ ज्यादा आती है। बट अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है शॉप नंबर 106 कौन सी। ये वाली जो चप्पलें है ना ये 250-300 वाली नहीं है, ये 400 रुपए वाली है। कहीं आप सोचो कि ये भी 200-250 में मिल रही है। तो बीच बीच में ना कुछ कुछ चप्पलें ऐसी आ जाती है, कुछ कुछ फुटवेयर्स के ऑप्शन ऐसे होते हैं जो थोड़े हायर साइड पे होते हैं, लाइक ये वाली 450 रुपीस की रेंज में है। तो इसलिए आपको ना जो वीडियोज है ना वो स्किप करके नहीं देखनी चाहिए, आपको पूरी वीडियो चाहे आप 5 मिनट बाद देख लो बट उसको पूरा देखो। ये सिर्फ मैं अपने बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं बाकी यूट्यूबर्स के बारे में बोल रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कंफ्यूजन लग जाती है। और ये फुटवेयर्स भी काफी अच्छी थी, मेटेलिक शेड में थी और मतलब बहुत ही बढ़िया मोनोक्रोम शेड थी, बढ़िया लग रही थी 450 रुपीज की रेंज में। हाँ मैं आपको बता रही थी कि स्किप करके क्यों नहीं देखना चाहिए। कई बार क्या होता है ना हम लोग प्राइस बताते हैं, वो वाला पोर्शन आपका स्किप हो जाता है और फिर बाद में कंफ्यूजन लग जाती है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। शॉप नंबर 43 काफी सही दुपट्टे मिलते हैं यहाँ पे, विंटर के सूट भी आए हुए हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम जो अनस्टिच सूट है वो सब्जी मंडी वाली लाइन में कहाँ पे पड़ेंगे। तो जो ये 44 शॉप नंबर है ना उसके जस्ट साइड वाली ही शॉप है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। इनके दुपट्टे भी काफी बढ़िया, 200-250 वाले दुपट्टे तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया थे। तो इनके दुपट्टों की वैरायटी तो नो डाउट काफी अच्छी है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि खाली खाली दुपट्टे कहाँ पे मिलेंगे। तो आप ये वाली शॉप ट्राई कर सकते हो, सब्जी मंडी वाली लाइन में है, आपको ढूंढने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। निधि कलेक्शन वगैरह के अपोजिट पड़ती है, 500 रुपए की रेंज में आपको इस तरीके के सूट मिल जाएंगे। जो जॉर्जेट वाला था वो 500 का था, ये विंटर वाला 550 का। इनमें इनके पास ना 500 वाली भी रेंज है और 600 वाली भी रेंज है। तो जिनको अपने लिए सर्दियों के सूट खरीदने वो ये वाली शॉप ट्राई करे। नो डाउट इनके दुपट्टे तो बहुत ही अच्छे है, साथ में इनका सूट का भी कलेक्शन बहुत बढ़िया है। हर प्राइस रेंज में आपको यहाँ पे विंटर के सूट मिल जाएंगे, समर के सूट मिल जाएंगे, बंदहेज के भी सूट थे इनके पास। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बंदेज के सूट कहाँ पे मिलेंगे, तो ये वाली शॉप जरूर देखना अगर आपको बंदेज के सूट चाहिए तो। बाकी तो देखो ऐसा है, जो जैसे कमेंट करता है मैं उस हिसाब से आपको कलेक्शन दिखाती हूँ, जो चीजें मुझे पसंद आती है नई लगती है वो भी मैं जरूर दिखाती हूँ। इनकेस कुछ मिस हो जाता है तो आप कमेंट कर सकती हो, मोस्ट वेलकम। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ और स्टफ भी आपको वही दिखाती हूँ। बच्चों का कलेक्शन थोड़ा सा लेट लेके आऊंगी बट बढ़िया कलेक्शन लेके आऊंगी। 500 रुपए में इतना हैवी दुपट्टा था कि अगर आपका प्लेन सूट है ना तो 4 चांद लग जाएंगे आपके सूट पे, आप सोच नहीं सकते कि इतना बढ़िया लग रहा था ये दुपट्टा। और देखिए बंदेज का सूट था
ये वाला मुझे काफी बढ़िया लगा और इसके ना नेक पे भी काम हो रखा था और ये सूट पे बहुत बढ़िया था। 1000 रुपए की रेंज में ना आपको इस शॉप पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। मैं पर्टिकुलर किसी एक सूट का प्राइस नहीं बता रही हूँ, ओवरऑल बता रही हूँ कि इस वाली शॉप पे आपको कितने तक के सूट मिल जाएंगे, कैसे सूट मिल जाएंगे, कौन कौन सी वैरायटी थी। ये आंटी जी हैं, आप इनको देख लीजिए, हैं यही हमेशा रहती हैं और इनके पास पूरा का पूरा एथेनिक वियर होता है, अनस्टिच सूट होते हैं। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, गेट नंबर 3 से एंट्री करके आपको जस्ट सीधा आना है और निधि कलेक्शन के पास रुक के बस आपको अपोजिट साइड में देखना, आपको शॉप नज़र आ जाएगी। इवन इनके पास जो स्टॉल थे ना और शॉल थे वो भी बहुत ही बढ़िया थे, 150 रुपये से इनके पास स्टॉल स्टार्ट हो रहे थे। देखिए भाटिया सन्स के जस्ट अपोजिट, भाटिया सन्स जो शॉप है ना वो शॉप नंबर 111 है, उसके पास रुक के आपको अपोजिट देखना, आपको ये वाली शॉप नज़र आ जाएगी। विंटर के सूट के साथ साथ इनके पास कॉटन के सूट का भी काफ़ी बढ़िया कलेक्शन था, 1000 रुपये में 850 में आपको ना बहुत ही ज़्यादा शानदार कलेक्शन नज़र आ जाएगा। पार्टी वियर सूट भी मिल जाएंगे और देखिए जो आपकी शॉल वगैरह होते ना वो भी अच्छे थे इनके पास, दुपट्टे तो थे ही थे, प्रिंटेड साथ में शॉल भी बहुत अच्छे थे। शॉल में भी क्या था ना, थ्रेड वर्क का काम था, 450-450 रुपये की रेंज में आपको बहुत अच्छे हैवी वाले शॉल मिलेंगे। नॉर्मली इस तरीके के जो शॉल होते हैं ना 700-800 रुपये के होते हैं। दिनेश ट्रेडर के जस्ट अपोजिट 100-100 रुपये की सेल चल रही थी, जिसमें आपको किस तरीके का स्टफ मिलेगा वो आप खुद देख लीजिए। क्या होता है ना कि बहुत सारी रिंग में ऐसे ही एवी बेकार सा स्टफ होता है, बट कुछ कुछ रिंग इतनी बढ़िया होती है ना जिनमें एक नंबर का जो नया माल होता है ना वो लगा होता है कि मन खुश हो जाता है, ऐसा मन करता है 3-4 टॉप खरीद लें। बट क्या होता है ना, चीज़ें सारी एक्सप्लोर करनी चाहिए। अब मैं आपको अपनी हर एक वीडियो में बहुत अच्छी चीज़ें दिखाती रहूँगी ना, तो क्या होगा ना कि एक परसेप्शन होता है इंसान का, उसको लगेगा कि सरोज नगर में सच में बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलती है, सारी चीज़ें बिल्कुल नई है, लोग तो बकवास कर रहे हैं कि भाई अच्छा माल नहीं मिलता। क्या होता है ना, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए, आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि जो व्यूवर्स आएंगे दूर दूर से वो हमारी वीडियोस देख के आएंगे, फिर उनको ऐसे ही एवी सा माल नजर आएगा तो वो भी सोचेंगे यार बेवकूफ बनाते यूट्यूबर। इसलिए हमेशा मैं है ना चीजें वही एक्सप्लोर करती हूँ जो एक्चुअल में लगी होती है, चाहे 100 रुपये में उन्होंने अच्छा माल लगा रखा हो या बेकार। ये पूरी शॉप पे ना जो दिनेश ट्रेडर के अपोजिट थी, इस पे 100 रुपये के स्वेटर थे। अब कंडीशन आप खुद देख रहे हो, अगर आपको ब्रांड के बूट चाहिए, शूज चाहिए, तो ये बहुत बढ़िया थे भाई, 1700-1800 रुपए में थे, बट ब्रांड में थे और है ना जो इनका लेदर था ना वो भी बहुत बढ़िया था। नॉर्मली आप H&M पे जाओगे, जारा पे जाओगे, मैंगो पे देखोगे ना तो 4-5 हज़ार में इस तरीके के शूज मिलते हैं। अगर आपको सेम क्वालिटी बढ़िया नॉन ब्रांड आपको अगर 1700-1800 में क्या मिल रहा है, क्या जाता है, ले लेना चाहिए। अगर स्वेटर चाहिए 100 रुपए की रेंज में, तो भर भर के शॉप्स पे स्टॉक आया हुआ है कि आपका ना दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा कि इस वाली शॉप से लूँ या आगे की 4-5 शॉप देखो। बट मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जिस भी शॉप पे खड़े हो ना, अगर आपको स्वेटर पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि वो साइज़ आपको परफेक्ट आ जाएगा, तो आप वहाँ से खरीद लो, क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि सामान छटते देर नहीं लगती है। 100-100 रुपये के टॉप थे, दिनेश ट्रेडर शॉप नंबर 117 है, उसके अपोजिट में ये वाली शॉप थी, जिस पे अगर मैं रेटिंग देने जाऊंगी तो मैं इसमें को दूंगी 6 रेटिंग, क्योंकि माल था 100 रुपये की रेंज के मुकाबले सही था, बट इतना बढ़िया नहीं था जितना बढ़िया आप एक्सपोर्ट लेन से खरीद सकते हो। 100 रुपये में वहाँ पे बहुत बढ़िया चीज मिल जाती है, बट ये होता है कि हाँ देख लेना चाहिए, कई बार पता नहीं चलता 100 रुपये में आपको कहाँ पे क्या चीज मिल जाए। ये वाला स्वेटर बढ़िया लग रहा था, तो देखिए आपने पूरा का पूरा देखा भीड़ कितनी थी, कैसा स्टफ था, विंटर का कितना स्टफ था, एथेनिक वेयर में क्या ऑप्शंस थे। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप जितना लेट करोगे ना उतना कम आपको समर कलेक्शन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हट जाएगा, बट वैरायटी कम हो जाएंगी। मार्क्स एंड स्पेंसर बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड है, मतलब टॉप भी उसके महंगे महंगे होते हैं और 100 रुपये की सेल में मिल जाता है इसका ये स्वेटर। मुझे आता तो मैं पक्का ले लेती, बट मुझे आ नहीं रहा था स्लीव्स के पास से, तो आप ना हाथ डाल के जरूर देख ले। कई बार क्या होता है ना कि हमें लगता है कि आ जाएगा, बट वो आते नहीं है, उनकी ना स्लीव्स के पास से प्रॉब्लम हो जाती है। शॉप नंबर 198 पे मैं आपको दोबारा ले आई हूँ, क्योंकि लोगों को ये वाली शॉप बहुत पसंद है भाई। मैं अगर इस शॉप को डेली भी दिखाऊंगी ना, तो मैं डैम श्योर, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आप बोर नहीं होगे, क्योंकि यहाँ का कलेक्शन इतना बढ़िया होता है, वैरायटी इतनी ज्यादा होती है कि आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। 350-400
रुपए में आपको इस तरीके की जैकेट मिल जाएंगे। नॉर्मली आप किसी भी शॉप पे जाओगे ना, इतना अच्छा कलेक्शन भी नजर नहीं आएगा और इतने अच्छी प्राइस रेंज पे आपको नहीं नजर आएगी। इसीलिए लोग डिमांड करते हैं, कमेंट करते हैं, बार बार बोलते हैं कि शॉप नंबर 198 को अच्छे से एक्सप्लोर करो। देखिए ड्रेसेस वगैरह, टॉप वगैरह की बात करूँ ना, हर साइज की ड्रेस, हर साइज के टॉप आपको मिल जाएंगे। 200 रुपीज की रेंज में आपको ड्रेसेस और टॉप मिल जाते हैं। बाकी ए लाइन ड्रेस चाहिए, क्रॉप टॉप चाहिए, और देखो जो पूछ रहे थे ना समर कलेक्शन कहाँ मिलेगा, उसका जवाब वीडियो में ही मैंने आपको दे दिया है। आप खुद देख रहे हो अपनी आंखों से कि शॉप नंबर 198 पे टॉप भी है, समर की ड्रेसेस भी है, और जो आपके वन पीस होते हैं वो भी है। साथ ही में देखिए दूसरे भैया बैठे थे जिनके पास क्या था, विंटर का कलेक्शन था। इन केस आपको उनके पास कुछ पसंद नहीं आया, इनके पास पसंद आया तो 200-250 रुपए में यहाँ से आप स्वेटर खरीद सकते हो। फिर उसके साइड में जीन्स वाले भैया थे, जीन्स तो इनकी बहुत बढ़िया थी भाई। एक बात बता देती हूँ, लोगों को वहम है कि पूरे सरोज नगर में 200 रुपए में बढ़िया जीन्स मिल जाती है, बट जब बात आती है ना ब्रांड की और क्वालिटी प्रोडक्ट की, तो आपको अच्छी जीन्स यहाँ पे 300-350 रुपए में ही मिलेंगी। ट्राउजर आपको 200 रुपए में भी मिल जाएगा, 250 रुपए में मिल जाएगा। जो लड़कियां स्लिम ट्रिम है उनके लिए 100 और 150 रुपए में भी आपको ट्राउजर्स मिल जाते हैं, फॉर्मल पैंट्स मिल जाते हैं, बट वो बाहर की तरफ होती है। 200 रुपए की रिंग में आपको ना जो आपकी पजामे होते हैं या फिर आपकी ड्रेसेस होती है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और ये वाली जो रिंग थी ना, ये शॉप नंबर 136 के बाहर थी, 136 पड़ती है सब्जी मंडी वाली लाइन में, जस्ट कॉर्नर पे, जिस कॉर्नर से हम मुड़ते हैं साउथ स्क्वायर की तरफ, उस वाले कॉर्नर पे। और सेम शॉप पे ही ना 136 के अंदर आप जाओगे तो आपको टी शर्ट्स का कलेक्शन, जैकेट का कलेक्शन, डेनिम कलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको घर पे पहनने के लिए ड्रेसेस चाहिए तो 200 रुपए की रेंज में आप ड्रेसेस ले सकते हो। बच्चों की कैप बहुत बढ़िया आई हुई थी, मतलब दिल खुश हो गया था यार कैप देख के, 150-100 रुपीज की रेंज में। इतना सॉफ्ट कपड़ा, इतने क्यूट डिजाइन थे। मानती हूँ कि आज की वीडियो में मैंने बच्चों का कपड़ों का कलेक्शन इतना ज्यादा नहीं दिखाया, मतलब दिखाया ही नहीं है, बट मैं ट्राई करूंगी कि एक पूरा का पूरा व्लॉग मैं बच्चों के कपड़ों पे बनाऊं, क्योंकि आप लोगों को भी रहता है यार बच्चों के कपड़े दिखाओ, हमेशा क्या बड़े बड़ों की दिखाते रहते हो। बट मैं ट्राई करूंगी कि बच्चों का कलेक्शन लेके आऊं। उससे पहले आप कैप देख के अपना मन खुश कर लो जैसे मैंने किया था। 150 रुपीज की रेंज में आप अपने बच्चों को बहुत ही क्यूट सा लुक दे सकते हो, क्योंकि कैप इतनी ज्यादा अच्छी थी ना। हमारे घर में इतने छोटे बच्चे कोई है नहीं तो मैं कैप जरूर खरीदती। कलेक्शन बहुत बढ़िया था कैप्स का। शॉप नंबर 119 के बाहर भैया खड़े हुए थे, उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया था वीडियो बनाने से, बट कैप इतनी ज्यादा जबरदस्त लग रही थी ना, मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट करी, इवन वो मेरी रिक्वेस्ट पे भी नहीं माने थे। फिर मैंने जबरदस्ती खड़े होके ना ये वाला वो किया था, स्टॉल कैप्चर किया था। वो तो बहुत मना कर रहे थे, नहीं मैडम मत बनाओ, बट मुझे पता था कि मेरे साथ साथ आपको भी बहुत पसंद आएगी, इसलिए मैंने कवर करी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।